नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर को कैसे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे इसमें सिंगल फेस मोटर हो या थ्री फेस मोटर हो, सभी का प्रोसेस सेम है। तो हम कूलर की मोटर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो देखिए हमारे हाथ में है एक 5 नंबर पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर जो पेपर है लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर पेपर है, ठीक है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले करना क्या है, मोटर में दो तरह की कॉइल होती है, रनिंग की एंड स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग के तार को आप अलग कर लीजिए, अंदर की तरफ कर लीजिए, क्योंकि अंदर की कॉइल स्टार्टिंग की है और रनिंग के तारों को बाहर की तरफ रहने दें। और इन कॉइलों के बीच में गैप बनाना है। देखिए पेपर लगाने का मकसद यही होता है कि रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच ना हो। पेपर की जगह टेप भी लगा सकते हो, लेकिन टेप थोड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी मोटरों में ज़्यादातर पेपर लगाते हैं, इसलिए ठीक है ये बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए स्टार्टिंग की कॉइल को हम अंदर की तरफ कर लें। तो यहाँ पे 4 कॉइल स्टार्टिंग की, 4 रनिंग की, तो 4 स्टार्टिंग की कॉइलों को हमने अंदर की तरफ कर लिया है। अब बची हमारी रनिंग की कॉइल है। तो अब हमको ये चीज़ें देखनी है कि जो तारे हैं, कि स्टार्टिंग की तारे रनिंग के साथ कोई मिल तो नहीं रही हैं, या रनिंग की स्टार्टिंग की रनिंग के साथ मिल तो नहीं रही है तारे, उनको अलग कर लें। एक भी तारे आपस में उलझनी नहीं चाहिए, सभी तारों को अलग अलग कर लें। बीच में बिल्कुल गैप होना चाहिए, चीज़ देख लीजिए, ठीक है, कोई तारे आपस में टच ना हो। अब देखिए स्टार्टिंग अंदर की तरफ है और रनिंग बाहर की तरफ है, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग और रनिंग आपस में टच होती है तो मोटर हीट होने के बाद जल सकती है, शॉर्ट हो सकती है, इसलिए पेपर लगाते हैं। तो देखिए सभी कॉयलों को अलग कर लीजिए, बिल्कुल अलग, एक एक तार को अलग कर लीजिए। कई बार एक तार भी रह जाता है तो वो भी दिक्कत खड़ी कर सकता है। अब देखिए पेपर का टुकड़ा काट लेना है, ऐसे काटना है लंबा, और इसकी हाइट कॉइलों जितनी होनी चाहिए, जितनी हमारी कॉइल की हाइट होती है, ठीक है। अब इसको रनिंग और स्टार्टिंग के बीचों बीच रखिए, बिल्कुल बीचों बीच, कि स्टार्टिंग का तार अंदर की तरफ ही रहे और रनिंग का तार बाहर की तरफ ही रहे, बीच में पेपर आ जाए, ठीक है। इस तरह से लगाना है पेपर, और इसको आराम से रख लीजिए इसमें, तो पेपर आराम से रख। अगर इसकी हाइट ऊँची लगे तो उसको हल्का हल्का काट सकते हैं, बिल्कुल फिट होना चाहिए। अब देखिए जो स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल हमने अलग करी थी, उनको आप फिर से सटा लीजिए। अब इन दोनों के बीच में, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा गोलाई में ले लीजिए, अब ये पेपर इसमें फंस जाता है इस तरह से, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसको फंसा लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमारा पेपर इसके बीच में है। अगर पेपर लगे कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको आप छोटा कर सकते हैं, तो इतना पेपर तो चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से आपको रिपीट करके दिखाऊंगा दूसरी साइड लगाने, ठीक है, जब दूसरी साइड लगाऊंगा तब। तो देखिए इस पेपर को इस तरह से लगाना है, 5 नंबर पेपर हो, 7 नंबर पेपर हो, 10 नंबर पेपर हो, तो मोटर के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी मोटरों में आप पतला लगाइए, बड़ी मोटरों में आप मोटा लगाइए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रनिंग स्टार्टिंग बिल्कुल अलग हो चुकी है और बीचों बीच यहाँ पे पेपर आ चुका है। अब मैं इस साइड लगा के दिखाता हूँ फिर से आपको दोबारा से। देखिए रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलों को, पहले स्टार्टिंग की जो कॉइलें हैं उनको अंदर की तरफ कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं मोड़ना है, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो इसके पेपर निकल सकते जो आपने लगाए हैं, स्लोट पेपर टहल सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोड़े इसको, ठीक है, ऊपर की तरफ से पकड़ कर धीरे धीरे मोड़ना है ऊपर से नीचे की तरफ, और इनके सभी तारों को अलग कर लीजिए ताकि एक भी तार टच ना हो। रनिंग का रनिंग में रहने दें, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में रहने दें, ठीक है। उनको अच्छे से भली भांति चेक कर ले कि कोई रनिंग का तार स्टार्टिंग के साथ चिपका हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर चिपका रहेगा तो बाद में पेपर लगाने के बाद भी शायद वो चिपका रह सकता है, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल अलग है, अब पेपर का टुकड़ा काट लीजिए, ठीक है, और ये पेपर का टुकड़ा काटने के बाद आपको लगाना है 5 नंबर, 7 नंबर लगा सकते हैं, बड़ी मोटर है तो 10 नंबर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आराम से धीरे धीरे करके लगाइए कि रनिंग का तार बाहर की तरफ रहे, स्टार्टिंग का तार अंदर की तरफ रहे, और बीच में इसके बिल्कुल बीचों बीच पेपर आ जाए। तो पेपर को रख लेना है,
बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। पेपर को रखने के बाद सभी कॉइलों को सही कर लीजिए, सीधा कर दीजिए जैसे पहले थे, एक एक कर ऐसे। और ऊपर की तरफ हाथ रखिए ताकि कागज़ ऊपर की तरफ ना उठ पाए, ठीक है। इस पर थोड़ा सा दबाव रखिए हल्का सा, ताकि पेपर ऊपर ना खिसक सके। और उसको थोड़ा सा ऊपर से थपथपा दीजिए, देखिए। तो इस तरह से पेपर सेट हो चुका है। अब जो रनिंग की कॉइल हैं उनको आप अंदर की तरफ, ठीक है, दोनों तरफ से हाथ लगा के, अंदर की तरफ से स्टार्टिंग और रनिंग दोनों पे इस तरह से अंगूठा लगा के, आगे उंगली पीछे अंगूठा लगा के इस तरह से आपको ये दबा लेना है, जिससे बिल्कुल सेट हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सभी अपडेट आपको मिलते रहें। और हमने नया चैनल बनाया है रावजी इलेक्ट्रिकल, उस पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है, वहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पेपर हमारा लग चुका है। अब धागा मारना हम इस पर बताएंगे। देखिए एक सुई ले लीजिए, कोई भी एक तार की सुई बना लीजिए। तो तार को मोड़िए और उसमें धागा बांध दीजिए। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। और देखिए बाहर की साइड से अंदर की तरफ निकालना है धागा, इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर से, और इसको बांध देना है। बांधने के बाद एक गांठ लगा दीजिए। अब आगे बढ़ते रहना है इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर हाथ रख के धागा मारिए, नहीं तो पेपर क्या होता है कि ऊपर की तरफ निकल सकता है, टहल सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको धागा मारना है इस तरह से, ऊपर हाथ रख के ऐसे। अब देखिए पेपर इसके बीचों बीच है और टहल नहीं रहा है, तो पेपर को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए। तो इस पेपर की जगह आप टेप आती है, टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन टेप जो होती है छोटी मोटरों के अंदर लगा सकते हैं, जैसे फर्राटा फैन, कूलर मोटर, मधानी मोटर, वाशिंग मशीन की मोटर, इनमें लगा सकते हैं। लेकिन मोटर, अगर बड़ी मोटर है उसमें टेप लगाएंगे तो टेप क्या है, टेप थोड़ी सी पतली होती है, कमज़ोर होती है और जल जल्दी जाती है, इसलिए पेपर डालना अच्छा रहता है। तो अब धीरे धीरे करके इसको धागा मार दीजिए, पेपर इसके अंदर बिल्कुल फिट रह जाएगा। तो देखिए मैं टेप से अच्छा इस पेपर को मानता हूँ, लेकिन टेप का यह है कि थोड़ा सा आपको टाइम बच जाता है, क्योंकि जल्दी से अच्छे से चिपक जाती है और बाद में पेपर नहीं लगाना पड़ता, इसलिए थोड़ा सा टाइम, ठीक है, इस पेपर को लगाने में थोड़ा सा टाइम आपका जा सकता है, लेकिन मोटर की सेफ्टी इससे बढ़ जाती है, मोटर ज़्यादा चलती है पेपर लगाने से, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइलें इसमें बिल्कुल अलग हो जाती है, कभी चांस ही नहीं रहता कि आपस में शॉर्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत तरह के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ये वीडियो बनाएं पेपर के ऊपर। बाद में आपको और भी वीडियोस दूंगा जिसमें इसी तरह की चीज़ें होंगी, तारों को स्लॉट के अंदर कैसे डालें आसानी से, छोटी छोटी वीडियो मैं आपको दूंगा। तो ये वीडियो मैंने थोड़ी सी लंबी बनाई है, ताकि दो बार मैंने इसमें डाल के दिखाया पेपर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो बहुत ही आसान है, देखिए पेपर आराम से लग चुका है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर में, चाहे सिंगल फेस हो, थ्री फेस हो, किसी भी तरह की कैसी भी मोटर हो, इस तरह से पेपर लगा सकते हैं। और पेपर देख लिए रनिंग और स्टार्टिंग बिल्कुल बीचों बीच हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर की साइड से बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।